ये बिहार का युवा है, जिस दिन उबलेगा ना ज्वालामुखी फटेगा, जैसे एनटीपीसी में फटा था। नीतीश कुमार जी तो छोड़ दीजिए, जब ये क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी नहीं रोक पाए तो नीतीश जी किस खेत की मूली है? सुशील मोदी जी कहाँ है? सुशील मोदी जी किस गुफा में है? सुशील मोदी जी किस गुफा में घुस गए हैं? आप इस मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्या आपके मुंह में कुछ जमा हुआ है? फेविकॉल लगा हुआ है तो बोलिए, हम लोग आके निकाल देते हैं। बिहार के 243 विधायकों को, दो चार को छोड़ दीजिए, दो चार को उठाते हैं मुद्दा, बाकी जो 243 में से 240 विधायक है वो लोग घंटी बजाने के लिए है। नमस्कार, द पंचायत देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, बीएसएससी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और ये जो भीड़ देख रहे हैं, पोस्टर्स जब देख रहे हैं, इस पर लिखा है बीएसएससी मेरिट दो या मौत दो। करीब 7.5-8 सालों से ये परीक्षा जो है वो लंबित है। 2014 जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तब इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और अभी तक इसमें बहाली नहीं हुई है। और ये वो छात्र हैं जो मेरिटधारी हैं, जिनमें जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है और इनका अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। करीब 8 साल बीतने को हैं तो ये छात्र आज पहुँचे हैं बीएसएससी कार्यालय, यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। इसी बीच जो छात्र नेता दिलीप हैं, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। 7.5 साल पहले ये वैकेंसी आई थी, क्यों नहीं बहाली पूरी हुई? एनसीएल का मुद्दा कब उछला? बीएसएससी ने, ओबीसी बता रहा हूँ मैं, वही ओबीसी का मुद्दा खुद बीएसएससी ने उछाला ताकि छात्रों को बांट दे। पहले क्या किया गया, एनसीएल का मुद्दा उठा के, न्यू ओल्ड एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट भी उसमें था, तो क्या किया गया, जनरल कैटेगरी को अलग कर दो, एससी एसटी ओबीसी को अलग करो। देखिए साजिश, देखिए नीतीश सरकार की और इस बीएसएससी की, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अलग हो जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी अलग हो जाए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पीटी के रिजल्ट के लिए, पीटी के एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए, काउंसलिंग के लिए सभी परीक्षार्थी मिलकर आंदोलन कर रहे थे। तो ये चीज इन लोगों को जो है नहीं पचा कि छात्र एकजुट है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, तो डर हो गया, तो बांटो पहले कैटेगरी में। उसके बाद क्या हुआ, देखिए कि अरे एससी एसटी ओबीसी को अलग कर दिए, जनरल को अलग कर दिए, तो हुआ ही नहीं। जब 13 दिसंबर को आंदोलन हुआ न्यू एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट सबको लेकर, कि न्यू ओल्ड सबको मान्य कीजिए, तो उसमें जनरल के स्टूडेंट्स भी आए थे, ओबीसी एससी एसटी सब आए थे, तो लग गया कि अब तो सब आए, अब क्या करें। अब देखे होइएगा आप लोग कि 10 बजे रात में हमको खींच के कैसे ले जाया गया था। उसके बाद क्या गेम खेला गया, कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया गया, नया पुराना दोनों, यानी कि अब कास्ट के आधार पर बांटो, तो कास्ट वैलिड कर दिया गया, तो एससी एसटी अलग, ओबीसी में भी ओल्ड एनसीएल वाले अलग हो जाएंगे और जनरल कैटेगरी अलग और न्यू एनसीएल वाले अलग हो जाएंगे। ये बांटने की साजिश सरकार की चल रही थी। सरकार को नौकरी देने का कुछ मन नहीं है क्या? नौकरी देने का बिल्कुल मन नहीं है, नहीं तो 7.5 साल में मुख्यमंत्री दी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, और हो सकता है 3री बार भी गठबंधन बदले या जो करे, तो ये कितने शर्म की बात है। एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, तो बड़ी शर्म की बात है। और न्यू एनसीएल का जो बात आप लोग कर रहे हैं, ये मामला कोर्ट में है और सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जा चुका है बीएसएससी को, तो फिर अब किस लिए देरी है भाई? जब बीएसएससी ने 13 दिसंबर को नोटिस जारी करके कहा था, अब देख लीजिए अभी भी उनके वेबसाइट पे होगा कि सरकार के दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, तो सरकार ने दिशा निर्देश दे दिया तो आप पालन कीजिए, 25 फरवरी को ही दे दिया, तो अब आप जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। हम लोग तो यही मांग करें कि मेरिट लिस्ट, ओनली मेरिट लिस्ट चाहिए, इन लोग की नौकरी चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर ये बिहार की धरती है, एनटीपीसी, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के आंदोलन को याद कर लीजिए एक बार, बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, हमारी शांति और हमारी जो ये शांतिपूर्वक आंदोलन, उसको हमारी कमजोरी मत समझिए। ये बिहार का युवा है, जिस दिन उबलेगा ना ज्वालामुखी फटेगा, जैसे एनटीपीसी में फटा था, उस ज्वालामुखी को कोई नहीं रोक पाएगा। नीतीश कुमार जी तो छोड़ दीजिए, जब ये क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी नहीं रोक पाए तो नीतीश जी किस खेत की मूली है, उनके बस की कहां सी बात है जी, नहीं रोक पाएंगे। तो हम अंत में यही विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करवाइए, अगर मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है, ज्वाइनिंग जल्द से जल्द नहीं होता है, तो फिर ये जो परीक्षार्थी है, हम इन लोगों को बहुत जो है सो हाथ जोड़ जोड़ के विनती करके रोके हैं कि हिंसा नहीं कीजिएगा, तब ये लोग रुके हुए हैं। अगर कल को ये लोग हिंसा कर देंगे तो दिलीप कुमार की जिम्मेवारी नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी होगी। और एक बात और, सुशील मोदी जी कहाँ है? सुशील मोदी जी किस गुफा में है? सुशील मोदी जी किस गुफा में घुस गए हैं? आप इस मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप एनटीपीसी मामले में जब हिंसा हुआ, आगजनी हुई, तब आप मैंने बिल से निकल गए, और ये जो 7.5 साल से बहाली पूरी नहीं हुई, आप ही के समय में वैकेंसी, उनके समय में तो नहीं आई थी, उस समय वो विपक्ष में थे लेकिन बाद में सरकार में आ गए। हर बजट में सुशील मोदी जी ये कहते हैं कि इतना वैकेंसी निकालेंगे, इतना 13,120
को हर ये बजट में जोड़ते थे कितना बहाल करेंगे। तो अभी सुशील मोदी जी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम एक शब्द बोल तो दीजिए इस पे कि मेरिट लिस्ट जल्द जारी होना चाहिए। क्या आपके मुंह में कुछ जमा हुआ है, फेविकॉल लगा हुआ है, तो बोलिए हम लोग आके निकाल देते हैं। नहीं तो ऐसा जो है दुमुहा काम मत कीजिए, दुमुहा काम मत कीजिए आप लोग। दिलीप जी आप लोग मेरिट या मौत मांग रहे हैं, इतना परेशान। मैंने पहले ही कहा ना कि बीएसएससी के जो परीक्षार्थी है 2 बजे रात में कॉल करके वीडियो कॉल करके बोलते हैं कि हम फंदा लगा रहे हैं फांसी का, अब बताइए हम क्या करें। लड़की लोग दुपट्टा लगा के बोलती है हम फांसी लगा रहे हैं, अब बताइए। तो ये उन लोगों का दर्द झलक रहा है। अभी तक सैकड़ों लोग जो स्टूडेंट्स है सुसाइड कर चुके होते, हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के उनके गार्जियन से विनती करते हैं कि बच्चे को समझाइए, अकेला मत छोड़िए। अब सोचिए कितने दुख की बात है कि अकेला छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, कि अकेला कहीं रहेगा डिप्रेशन में जाएगा सुसाइड कर लेगा। अब एक गार्जियन उनके एक आदमी उनको मतलब देखने पे है कि कहाँ जा रहा है बच्चा, क्या कर रहा है। तो सर मानी चाहिए इन लोगों को, जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर दे, यही हम लोग विनती कर रहे हैं। हम लोग जो है उपद्रवी नहीं है, लेकिन हम लोग को उपद्रवी बनने पर मजबूर ना करिए बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी। नहीं तो जिस दिन उपद्रव पे उतर जाएंगे ना तो कोई नहीं संभाल पाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि युवा से बड़ी ताकत कोई नहीं होती है। युवा के सामने कोई किसी का नहीं चलेगा, युवा चाह लेगा ना तो विधानसभा जाके गिर जाए। अभी बजट सत्र चल रहा है, क्या बिहार के 243 विधायकों को, 2-4 को छोड़ दीजिए, 2-4 को उठाते हैं मुद्दा, बाकी जो 243 में से 240 विधायक है वो लोग घंटी बजाने के लिए है, झुंझुना बजाने के लिए कहिए तो हम लोग झुंझुना बजा के दे देते हैं। ये मुद्दा हम लोग को नजर नहीं आ रहा है, खाली बयानबाजी कोई भी हो, सभी आज न कल स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स से ही आगे बढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़ाई किए उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग कम से कम पढ़ के आए हैं वो तो स्टूडेंट्स रहे हैं, और स्टूडेंट्स की पीड़ा को ये लोग को समझना चाहिए। जिस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर आए उस सीढ़ी को तोड़ने का कोशिश ना करें नीतीश कुमार जी, नहीं तो वैसे भी इनका जो है डमाडोल है सब कुछ। तो कम से कम युवाओं की बात सुन लीजिए, नहीं तो फिर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, यही बोले थे 2020 के चुनाव में, बोले थे ना कि अंत भला तो सब भला। तो नीतीश कुमार जी हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं इन हजारों अभ्यर्थियों की तरफ से, 2005 में इन्हीं युवाओं ने आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया था और 2005 से अभी तक आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और अभी अगर अंत में अगर आप इन युवाओं के साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो आप ही ने कहा था अंत भला तो सब भला। तो जब आपका अंत बुरा होगा तो आप हमेशा इतिहास के पन्नों में अच्छे चीज़ के लिए याद नहीं किया जाएगा, बुरा चीज़ के लिए याद किया जाएगा आपको कि युवाओं के साथ आपने अन्याय किया, अत्याचार किया। तो कम से कम ध्यान दीजिए, विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है, विधान परिषद में मुद्दा उठ रहा है, सरकार के तरफ से कोई सही जवाब नहीं आ रहा है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है ना। ये हजारों अभ्यर्थियाँ किस लिए, इनको शौक है कि धूप में आके आंदोलन करे? ये लोग नौकरी मिली हुई है इन लोगों की। ये मैं बता दूँ, जो यहाँ के जिला प्रशासन या कोई आके बोलते कि फेल है तो बता दूँ, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, ये लोग फेल अभ्यर्थी नहीं है, ये लोग पास अभ्यर्थी है और इन लोगों को नौकरी मिली हुई है। 13,120 सीट है और 12,000 कुछ अपियर ही हुए काउंसलिंग में, तो सभी की नौकरी है, पक्की है नौकरी। और इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कितने शर्म की बात है। तो हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप जो है गठबंधन बदलिए, सरकार बदलिए, जो करना है पार्टी बदलिए, लेकिन इन युवाओं के साथ न्याय कर दीजिए ताकि आप इतिहास में कहते हैं कि अमर हो जाना, युवाओं के नजर में आप अमर हो जाइएगा, आपका कार्य अमर हो जाएगा, लेकिन अंत में अगर आप युवाओं के साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो काला अक्षर में आपका नाम लिखा जाएगा, ये निश्चित है। एनसीएल के लोग लेकर कोर्ट में मामला गया है, उस पर क्या हुआ अभी तक? देखिए एनसीएल एक बहाना था बीएसएससी को इसके आर में बहाली को लटकाना था, सीधी सी बात है। एनसीएल का मुद्दा किसने छेड़ा? 7.5 साल पहले ये वैकेंसी आई थी, क्यों नहीं बहाली पूरी हुई? एनसीएल का मुद्दा कब उछला? बीएसएससी ने, ओबीसी बता रहा हूँ मैं, वही ओबीसी का मुद्दा खुद बीएसएससी ने उछाला ताकि छात्रों को बांट दे। पहले क्या किया गया, एनसीएल का मुद्दा उठा के, न्यू ओल्ड एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट भी उसमें था, तो क्या किया गया, जनरल कैटेगरी को अलग कर दो, SC ST ओबीसी को अलग करो। देखिए साजिश देखिए नीतीश सरकार की और इस बीएसएससी की, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अलग हो जाएंगे, SC ST OBC अलग हो जाए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि PT के रिजल्ट के लिए, PT के एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए, काउंसलिंग के लिए सभी परीक्षार्थी मिलकर आंदोलन कर रहे थे। तो ये चीज इन लोगों को जो है। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।